के समय में जान लीजिए इंस्ट्रूमेंट का बहुत महत्व है। मैं दिखाना चाहूँगा अपनी शॉप को कि मैं अपनी दुकान को आए दिन कुछ ना कुछ अपग्रेड करता रहता हूँ और नई नई चीज़ों को लाता रहता हूँ। कुछ भी नई चीज़ें हों, हमारे पास ऑलरेडी 3-4 टेक्नीशियन है जो काम करते हैं। और मेरे को छोड़ के खाली में मैं जबलपुर गया हुआ था, जबलपुर में गया था एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए, और एक महीने की ट्रेनिंग हमने लेके जबलपुर से वहाँ से आए हैं। और आने के बाद काम करने का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 19 साल से मोबाइल लाइन में हूँ और काम कर रहा हूँ। पहले भी काम बेहतर हो रहा था, काम सीखने के बाद काम और बेहतर हो रहा है। मेन डायरेक्टर है मिस्टर देव रतन धवन, मेरी अच्छी खासी उनसे बातचीत होती है, बहुत अच्छे इंसान हैं और क्लास में तो बहुत सख्त रहते हैं, होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस इंस्टीट्यूट में या जिस संस्था में या कह लीजिए जिस शॉप पे अगर कहीं पे बिजनेस है, अगर वहाँ डिसिप्लिन नहीं है तो किसी काम का नहीं है। डिसिप्लिन है तभी आप बिजनेस को या शॉप को सबको ग्रोथ कर सकते हैं। और किसी कस्टमर ने हमको दिया है फ़ोन, ये फ़ोन में क्या है नो सर्विस आ रहा हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क की जगह पे आपका नो सर्विस आ रहा है। तो नेटवर्क फॉल्ट कोई भी आपके पास आता है तो पहला काम होता है नेटवर्क फॉल्ट फ्लैक्चुएट हो रहा है। देखिए ये वोल्टेज क्या हो रहा है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं होने के 0.9 वोल्ट, ये देखिए स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज है। और मेरा ये नेटवर्क का फ़ोन जो था ये डन हो गया है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। मेरे पास एक फ़ोन आया हुआ है, ये फ़ोन है MI 5 और किसी कस्टमर ने हमको दिया है फ़ोन। ये फ़ोन में क्या है नो सर्विस आ रहा हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क की जगह पे आपका नो सर्विस आ रहा है। तो नेटवर्क फॉल्ट कोई भी आपके पास आता है तो पहला काम होता है नेटवर्क फॉल्ट आपको बनाने का सबसे आसान तरीका है, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप नेटवर्क फॉल्ट बनाने से पहले, रिपेयर करने से पहले फ़ोन में आप IMI और बेसबैंड ज़रूर चेक कर लें। अगर सेट में IMI बेसबैंड आ रहा है उसके बाद अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तभी आगे जाएं। होता क्या है कि लोग ज़्यादातर बहुत सारे टेक्नीशियन भाई ऐसे हैं जो कि नेटवर्क में बनाते समय IMI और बेसबैंड नहीं चेक करते हैं, पता चलता है बेसबैंड जुड़ा हुआ है, IMI दिखा रहा है, अब IC पे IC चेंज करते रहते हैं, फ़ोन का बन नहीं पाता है। तो अभी आपको दिखाएं इसमें नो सर्विस आ रहा है, तो मैं आपको इसके प्रोसेस आगे दिखाता हूं कि इसको कैसे चेक किया जाता है और कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताता हूं। ये देख सकते हैं ये WTR पे आपको वोल्टेज, देखिए ये आपका वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है। देखिए ये वोल्टेज क्या हो रहा है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं होना मतलब कि हो सकता है WTR IC में हमारा लीकेज हो या कोई ख़राबी आ गई हो। और दूसरे तरफ का वोल्टेज भी देखिए फ्लैक्चुएट हो रहा था, ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, दूसरे तरफ का भी वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो हम WTR को सबसे पहले चेंज करते हैं और देखते हैं मेरा फ़ोन सही होता है कि नहीं। नेटवर्क देखिए आ गया, वोल्टी नेटवर्क 4G, ये जियो का सिम लगा हुआ है। और इसमें आपको दिखाते हैं कि इसका वोल्टेज स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, कैमरा को नज़दीक लाइए
और ये देखिए आपका चेक करिए, एक कैप पे आपको 1.7 वोल्ट का वोल्टेज स्टेबल है और दूसरी तरफ आपको देखिए 0.9 वोल्ट, ये देखिए स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज है। और मेरा ये नेटवर्क का फ़ोन जो था ये डन हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पर्सनल जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मैं जबलपुर गया हुआ था, जबलपुर में गया था एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए, और एक महीने की ट्रेनिंग हमें लेके जबलपुर से वहाँ से आए हैं। और आने के बाद काम करने का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 19 साल से मोबाइल लाइन में हूँ, काम कर रहा हूँ। पहले भी काम बेहतर हो रहा था, काम सीखने के बाद काम और बेहतर हो रहा है। और मैं जैसे बहुत सारे ऐसे मेरे टेक्नीशियन भाई हैं जो बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को मार्केट, दुकान, काम छोड़ के, अपना नुकसान जोड़ के मार्केट कहीं सीखने नहीं जा पा रहे हैं। इसकी वजह से उनके दुकान से बहुत सारे काम आए दिन वापस जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, या ये कहिए कि अनजानों में ऐसे काम हो जाते हैं बोर्ड में जो कि लोग बोर्ड ख़राब कर देते हैं, जो कि रिपेयर होने वाला भी बोर्ड ख़राब हो जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि सारा काम एक टेक्नीशियन सारा काम कर ही देता है, लेकिन कोशिशें रहता है कि बेहतर से बेहतर काम किया जाए और बताया जाए। तो एक महीने की ट्रेनिंग में हमें बहुत अच्छा लगा, एक महीने हमें हमारे 26-27 दिन हम वहाँ पे थे, बहुत अच्छी तरह से कटे। वहाँ के जो मेन डायरेक्टर हैं मिस्टर देवरत्न धवन, मेरी अच्छी खासी उनसे बातचीत होती है, बहुत अच्छे इंसान हैं और क्लास में तो बहुत सख्त रहते हैं, होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस इंस्टीट्यूट में या जिस संस्था में या कह लीजिए जिस शॉप पे अगर कहीं पे बिजनेस है, अगर वहाँ डिसिप्लिन नहीं है तो किसी काम का नहीं है। डिसिप्लिन है तभी आप बिजनेस को या सबको सबको ग्रोथ कर सकते हैं। जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे अगर मान लीजिए आ रहे हैं दस तरह के चारों दिशाओं से बच्चे आते हैं, अगर वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं फॉलो करा पाएंगे तो बच्चों को क्या होगा, कोई बच्चा कर रहा कुछ और करेगा कुछ और तो होगा, तो बच्चे सीख भी नहीं पाएंगे। और बाकी मिलन सर हैं, क्या नाम है, सोनी सर हैं, मोहम्मद सर हैं, दीपक सर हैं, सब कोऑपरेटिव हैं, ग्रस्त कोऑपरेट करते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है। कोई भी फॉल्ट वगैरह होता है तो सपोर्ट किया जाता है, हो सकता है आधा घंटा लेट प्रतीत हो जाए लेकिन सपोर्ट होता है। साथ में दोस्तों बोलना चाहेंगे कि आज के समय में, रिपेयरिंग के समय में जान लीजिए इंस्ट्रूमेंट का बहुत महत्व है। मैं दिखाना चाहूँगा अपनी शॉप को कि मैं अपनी दुकान को आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ और नई नई चीज़ों को लाता रहता हूँ, कुछ भी नई चीज़ें हों। हमारे पास ऑलरेडी 3-4 टेक्नीशियन हैं जो काम करते हैं, और मेरे को छोड़ के तो कम से कम 3 टेक्नीशियन अलग हैं, एक मेरे बड़े भाई रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा छोटा सा शॉप है। और बाकी मैं धन्यवाद देता हूँ एशिया टेलीकॉम को और साथ में मिस्टर देवरत्न अग्रवाल को कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको गाइड किया और भविष्य में मेरा उनके साथ जुड़े रहने का बहुत ही बोलना चाहेंगे उन भाइयों को जो भाई मेरे साथ गए थे और या जो कहीं सीख रहे हैं। मान लीजिए आप, हम नहीं कहेंगे कि आप हमारे कहने पे आप वहाँ जाइए, आप कहीं भी सीखते हो, लेकिन मान लीजिए आप जो बंदा आज 18 साल 20 साल से 10 साल से 15 साल से इस लाइन में है, आप उससे कंपेरिजन नहीं कर सकते किसी काम में कि आप वो काम जो 10 मिनट में कर लेगा आधे घंटे में कर लेगा, नए बच्चे उस काम को नहीं जोड़ेंगे। और आपको इस लाइन में होपलेस नहीं होना। मान लीजिए कोई काम आपसे नहीं हो रहा है, टीम है, टीम सपोर्ट है, ग्रुप है, ग्रुप में मैसेज डालिए, ग्रुप में मैसेज साथ आप डिस्कस करिए, एक दूसरे डिस्कस करिए, जिससे आपका जमता हो, जिससे आपकी बनती हो उससे डिस्कस करिए। वहाँ से आपको सॉल्व नहीं होता तब आप इंस्टीट्यूट पे फ़ोन करिए, वहाँ पे नंबर उठाने वाले लोग हैं, सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है आपको तुरंत कॉल हो, लेकिन यह है कि आपको जवाब जरूर मिलता है। और इसके लिए घबराए ना, आपको धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ होना नहीं है। मान लीजिए आज हम लोग इस जगह पे हैं तो आज 18 साल 19 साल का परिश्रम है इतने ऊँचे जगह पर पहुँचे हैं। धीरे धीरे नए बच्चे भी हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आगे बढ़े। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?